बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। आप इकोनॉमी सेद साजिद के साथ, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस आर गिवन, क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस का 3p। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस 2p, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वान्टिटी एंड ड्रा दी डायाग्राम। हमें तलब और रसद की मसावातें दी गई ही हैं। अशिया की कीमत, अशिया की मकदार मालूम करें और डायाग्राम बनाएं। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा कौन सी डिमांड की इक्वेशन है, कौन सी सप्लाई की इक्वेशन है? क्यों, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डिमांड की मसावात है क्योंकि डिमांड का प्राइस के साथ नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है। डिमांड फंक्शन लिखते हैं, क्यू डी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड डिपेंडेड है और प्राइस इनडिपेंडेड है। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो डिमांड डिक्रीज कर जाती है, जब प्राइस डिक्रीज करती है तो डिमांड इंक्रीज कर जाती है। इन दोनों का आपस में नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है। अगर प्राइस या उसके कोफिशेंट के साथ माइनस का साइन हो तो वो हमारे पास डिमांड की मसावात होती है। अब हम चेक करते हैं 15 माइनस का 3p, यानी प्राइस के कोफिशेंट के साथ माइनस का साइन है जिसकी वजह से इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास डिमांड की मसावात है। इसी तरह क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का 2p, ये हमारे पास सप्लाई की मसावात है। हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा, क्योंकि सप्लाई का प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। सप्लाई फंक्शन लिखते हैं, क्यू एस इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। क्यू एस डिपेंडेड है, प्राइस इनडिपेंडेड है। जब प्राइस इंक्रीज करती है तो सप्लाई भी इंक्रीज कर जाती है यानी बढ़ जाती है, जब प्राइस डिक्रीज करती है यानी अशिया की जब कीमतें कम होती हैं तो सप्लाई जो होती है वो भी कम हो जाती है। इन दोनों का पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है। इन दोनों इक्वेशंस की जो सेम्थ है वो सेम है, प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है। अगर प्राइस या उसके कोफिशेंट के साथ प्लस का साइन हो, ये हमारे पास 2p जो प्राइस है उसके कोफिशेंट के साथ प्लस का साइन है, ये हमारे पास सप्लाई की मसावात है। क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, यानी तलब बराबर है रसद के। इसको डिफाइन करते हैं, मंडी के तवाजुन से मुराद ऐसी सूरत हाल है जब किसी खास कीमत पर तलब और रसद आपस में बराबर हो जाती है, वहाँ पर मंडी का तवाजुन कायम हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्यू डी की जगह उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, 15 माइनस का 3p इज इक्वल टू, क्यू एस की जगह उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, 5 प्लस का 2p। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, प्राइस की वैल्यूज़ को उठा के एक तरफ लेके जाएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको उठा के एक तरफ लेके जाएंगे। माइनस का 3p, ये प्लस का 2p है, जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 2p इज इक्वल टू प्लस के 5, ये प्लस का 15 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो साइन तब्दील हो जाएगा। माइनस का 15, माइनस का 3p, माइनस का 2p, इन दोनों को जमा करेंगे जो अलामत है वो माइनस की आएगी। माइनस का 5p इज इक्वल टू माइनस के 15 में से प्लस के 5 को लेस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 5p इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 10 ओवर 5, 5 बट्टे के नीचे आ जाएगा। p इज इक्वल टू 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, प्राइस हमारे पास 2 है। अच्छा, हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चलेगा जो प्राइस फाइंड की है वो ठीक है या गलत है? प्राइस को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम आता है, इसका मतलब ये है जो प्राइस फाइंड की है ठीक है।
अगर डिमांड और सप्लाई का आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब ये है जो प्राइस फाइंड की है वो गलत है। अब हम चेक करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन वन, डिमांड इक्वेशन में प्राइस को पुट करते हैं। डिमांड इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस का 3p, क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस का 3p की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, क्यू डी इज इक्वल टू 15 में से 6 को लेस करते हैं तो 9 आता है। डिमांड का जो हमारे पास आंसर है वो 9 है और सप्लाई का आंसर भी 9 आना चाहिए। अब हम प्राइस को इक्वेशन नंबर 2 यानी सप्लाई की इक्वेशन में पुट करते हैं। सप्लाई की इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का 2p, क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का 2, p की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस 4 तो हमारे पास ये 9 आता है। इसका मतलब ये है जो प्राइस फाइंड की है 2 वो ठीक है क्योंकि डिमांड का आंसर 9 है और सप्लाई का आंसर 9 है। अब हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने से पहले शेड्यूल यानी गोशवारा बनाएंगे। गोशवारा बनाने के लिए जो हमारे पास प्राइस 2 है, दो वैल्यूज प्राइस की हम सपोज करेंगे यानी फर्ज करेंगे जो 2 के करीब करीब तर होंगी। यहाँ पे शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस यहाँ पे प्राइस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्यू डी डिमांड और यहाँ पे लिखते हैं क्यू एस सप्लाई। देखिए प्राइस हमारे पास 2 है तो हम 1 ये फर्ज करते हैं प्राइस, 2 हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है और 3 हम क्या करते हैं प्राइस को फर्ज करते हैं, यानी 1 और 3 ये हमने दो जो प्राइस की वैल्यूज़ हैं ये सपोज की हैं। गोशवारे की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। अब हम गोशवारे की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, पहले डिमांड की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डिमांड की इक्वेशन क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस का 3p, क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस का 3p की जगह ये वाला 1 पुट करेंगे। क्यू डी इज इक्वल टू 15 माइनस के 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आता है 3। क्यू डी इज इक्वल टू 15 में से माइनस के 3 को लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 12। ये पहली डिमांड की वैल्यू फाइंड की है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। डिमांड की इक्वेशन में पी की जगह ये वाला 2 यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 15 में से 6 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 9। ये डिमांड की दूसरी वैल्यू फाइंड की है 9, ये 9 आ जाएगा। अब डिमांड की इक्वेशन में इस पी की जगह ये वाला 3 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। माइनस के 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। 15 में से माइनस के 9 को लेस करेंगे तो हमारे पास 6 आता है। ये डिमांड की तीसरी वैल्यू फाइंड की है 6। यहाँ पे चेक करते हैं जो हमने डिमांड की वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो ठीक है या गलत है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिमांड का प्राइस का नेगेटिव ताल्लुक पाया जाता है, जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड डिक्रीज यानी कम होती चली जाती है। देखिए प्राइस 1 है, डिमांड 12 है। प्राइस जब 1 से बढ़कर 2 होती है तो डिमांड 12 से कम होकर 9 हो जाती है। जब प्राइस 2 से बढ़कर 3 होती है तो डिमांड 9 से कम होकर 6 हो जाती है। दिस इज़ ए नेगेटिव रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है जो डिमांड की वैल्यूज़ फाइंड की है वो ठीक है। अब हम सप्लाई की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। यहाँ पे सप्लाई की इक्वेशन लिखते हैं क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का 2p, क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का 2p की जगह ये 1 पुट करेंगे, ये 1 आ जाएगा। क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस का प्लस के 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। क्यू एस इज इक्वल टू 5 प्लस 2 तो हमारे पास क्या आता है 7 आता है।
ये डिमांड की, ये सप्लाई की पहली वैल्यू फाइंड किया है 7। अब पी की जगह, ये पी की जगह 2 को पुट कर देंगे, यानी यहाँ के यानी यहाँ पे 2 को पुट करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 5 + 4 9 आता है। ये सप्लाई की दूसरी इक्वेशन ये सप्लाई की दूसरी वैल्यू फाइंड की है 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे। पी की जगह 3 को पुट कर देंगे, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 + 6 तो हमारे पास 11 आता है। ये सप्लाई की तीसरी वैल्यू फाइंड की है 11। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं जो वैल्यू फाइंड की है सप्लाई की, वो ठीक है या गलत है। हमने यहाँ पे चेक किया था कि सप्लाई का प्राइस का पॉजिटिव ताल्लुक पाया जाता है, जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। अब हम चेक करते हैं, प्राइस 1 है, सप्लाई की पहली वैल्यू क्या है हमारे पास 7, जब प्राइस बढ़ती है 1 से बढ़कर 2 होती है तो सप्लाई 7 से बढ़कर 9 हो जाती है, जब प्राइस 2 से बढ़कर 3 होती है तो सप्लाई 9 से बढ़कर 11 हो जाती है। दिस इज़ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब हम इस गोशवारे की मदद से डायग्राम बनाते हैं। गोशवारे में चेक करते हैं कि डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। डिमांड और सप्लाई की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 है और सप्लाई की सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 11 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 का इंटरवल भी रख सकते हैं, 4 का इंटरवल भी रख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो भी गैप रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब हम डायग्राम बनाते हैं। ओ क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 4 का गैप तो हम लोग यहाँ पे 2 का गैप रखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। डायग्राम बनाने से पहले एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, यहाँ पे जो इंटरवल है और यहाँ पे जो इंटरवल है वो सेम होने चाहिए, तो तब आपका डायग्राम सही बनेगा। प्राइस हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, तो प्राइस 1, ये प्राइस 2, ये प्राइस 3, यहाँ पे हम पी लिखते हैं। प्राइस हमारे पास 1 है और डिमांड की जो फर्स्ट वैल्यू है वो 12 है, यानी 1 के सामने 12 के ऊपर एक डॉट लगा देंगे, ये डॉट आ जाएगा ऐसे। प्राइस हमारे पास 2 है और डिमांड 9 है, यानी 2 के सामने और 9 के ऊपर, 9 कहाँ पे है जी, 8 और 10 के दरमियान, 2 के सामने और 9 के ऊपर ये डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 3 है और सप्लाई डिमांड के हमारे पास क्या है, 6 है, 3 के सामने और 6 के ऊपर, ये 6 है, 3 के सामने और ये 6 के ऊपर ये डॉट लगा देंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे QD। अब हम सप्लाई का डायग्राम बनाते हैं। प्राइस हमारे पास 1 है और सप्लाई की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 7 है, 1 के सामने और 7 के ऊपर, 6 और 8 के दरमियान 7 है, 1 के सामने और 7 के ऊपर डॉट लगा देंगे। प्राइस हमारे पास 2 है और सप्लाई की सेकंड वैल्यू 9 है, यानी 2 के सामने और 9 के ऊपर, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। प्राइस हमारे पास 3 है और सप्लाई की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या 11 है, यानी 3 के सामने और 11 के ऊपर, 10 और 12 के दरमियान 11 है, यहाँ पे डॉट लगा देंगे, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, ये क्यू एस। प्राइस हमारे पास 2 है और डिमांड और सप्लाई की वैल्यूज हमारे पास 9 थी, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी तवाजनी नुक्ता है। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।